हाय दीप पलंगी का ड्राइवर रॉबर्ट विकिंस का वाहन हिंसक रूप से मध्य हवा को फैलाता है और ट्रैक पर एक और कार क्लिप करने के बाद बाढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 29 वर्षीय कनाडाई चालक रविवार को पेंसिल्वेनिया में पोकोनो राइसवे से अस्पताल ले जाया गया था। यह डरावना क्षण है। इंडिका ड्राइवर रॉबर्ट विकिंस का वाहन मध्य हवा में हिंसक रूप से स्पिन करता है और ट्रैक पर एक और कार को क्लिप करने के बाद बाढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। रविवार को पेंसिल्वेनिया में पोकोनो रेसवे में डरावनी दुर्घटना के बाद 29 वर्षीय कनाडाई चालक को ऑर्थोपेडिक चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया था। वह आपूर्ति 500 के दौरान रायन हंटरे पास करने का प्रयास कर रहा था जब दोनों कारों को थोड़ा छुआ और दीवार में खींच लिया गया। विकन की कार शीर्ष पर बढ़ती जा रही थी और साइड बाढ़ में तोड़ने से पहले कई बार घूमती थी और गाड़ी को टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े कर देती थी। इसने बचाव कार्यकर्ताओं को मिक्स्ड मलबे से विकिंस मुक्त करने के लिए 12 मिनट तक ले लिया और उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाने से पहले एम्बुलेंस ले गया। उनका इलाज एलेंटाउन पेंसिल्वेनिया में लेहागा घाटी सीडरक्रेस्ट अस्पताल में किया जा रहा है, जहां चिकित्सकों का कहना है कि वह जागृत और सतर्क है। रविवार को पेंसिल्वेनिया में डरावनी दुर्घटना के बाद मलबे को रेस्ट ट्रैक में फेंक दिया जा सकता है। एलेक्जेंडर रॉसी ने दौड़ जीती और कहा कि अस्पताल में विकेंस के साथ जश्न मनाने में मुश्किल थी। मलबे के प्रभाव ने बाढ़ लगाने के एक बड़े हिस्से को भी तोड़ दिया, जिसकी मरम्मत के लिए लगभग 2 घंटे की आवश्यकता थी। विकस टीम के साथ ही जेम्स हिंटलफ को भी पेट्रो फिट्टी पाल्दी और तकमा सातों के साथ भयानक टक्कर में पकड़ा गया था। हिंटलफ दर्द में लग रहा था। उसकी कलाई पकड़कर उसने धीरे धीरे अपनी कार छोड़ी, लेकिन मूल्यांकन किया गया और बाद में मेडिकल सेंटर से रिहा कर दिया गया। चालक सेबेस्टियन बोर्डाइस ने कहा, यह सबसे बुरी चीज है जिसे आप देख सकते हैं। वह चोट पहुंचाता है। वह जागृत है और सतर्क है और कम से कम वह जिंदा है। दौड़ में लगभग 2 घंटे देरी हुई थी और 500 मील दौड़ में केवल 8 गुद पूरी हो गई थी जब विकिंस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। राहल ने ट्वीट किया, हम केवल एक चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि रॉबी हिंच और शामिल सभी लोग ठीक हैं। ये खतरे हैं जिनसे हम सामना करते हैं, लेकिन हम हमेशा इसे देखने से नफरत करते हैं। शुरुआत में वर्षों से बहस की जा सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दोस्तों और प्रतिस्पर्धियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। सभी कनाडाई टीम के दोनों हिस्से विकिंस और हिंटक्लिफ एक दूसरे को टोरंटो में युवाओं के रूप में दौड़ते थे। 2017 में डांसिंग विद द स्टार्स पर रन अपने यूरोप में सफल करियर के बाद विकिंस को इस सीजन में लुभाने में मदद की। वह अपनी जिंदगी से एक टूटी हुई हिस्से को 2015 दुर्घटना के दौरान धमनी से छीनने पर अपनी जिंदगी खतरनाक चोट से बच गया। इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे पर 31 वर्षीय व्यक्ति को धमनी देनी होगी अगर वह टीम को सीधे धमकी से पकड़ने वाली मेडिकल टीम के लिए नहीं होती थी। 1 साल पहले जब वह मारा गया तो उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियानापोलिस में सड़क पाठ्यक्रम पर मलबे के टुकड़े से हेलमेट में विकन ने 5 सीधे शीर्ष 5 खत्म कर दिए और मिरोहियों में आखिरी दौड़ में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे से मेल खाया। 2015 में उसी रेसी ट्रैक में जस्टिन विल्सन एक टुकड़ा जब सिर की चोट से मृत्यु हो गई। एक दुर्घटनाग्रस्त कार से मलबे ने ट्रैक को उछाल दिया और अपना हेलमेट मारा।